हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल स्नेक्स और प्रेम पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रेम शंकर चावड़िया, जिला राजसमंद राजस्थान। दोस्तों आज मैं आया हूं रेस्क्यू के लिए धनेरिया, जो 7 से 8 किलोमीटर दूर है दरीबा से। तो यहां पर एक सांप देखा है। कौन सा सांप देखा आपने? कोबरा। दोस्तों कोबरा सांप है, वेनमस सांप, जहरीला सांप है। तो यहां घुसा है, इन लोगों ने थोड़ी मेहनत करके खोद दिया है। तो दोस्तों यही है वो सांप, तो इसे जैसे भी निकालने की कोशिश करते हैं, इसके बिल के अंदर है वो। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, यहाँ खतरा भी बन सकता है। डर बटे बटी से कहां भी बटी नहीं बनने लगे बड़े होते हे टे टी आयु उम्मी का छोटे बस अटे। अपने तो एक बार यो यो इलाको देखनो है, बस यो देखनो इलाको यो नहीं रही निकल बाने। बाकी घट जाओ रे यार। बाकी भली भाड़े बैठो आप आराम। अगर पकड़े गया तो मुँह लान दे दूंगा थाने, कोई टेंशन नहीं लेने। भगवान दोस्तों एक से 3 घंटे लग चुके हैं इस रेस्क्यू में। यह है इंडियन कोबरा वेनमस स्नेक, जहरीले सांपों में एक। दोस्तों कुछ खाया पिया है इसीलिए ये गायब है, पे थोड़ा थका हुआ लग रहा है और काफी मुश्किलें कर दी थी इस सांप ने। अरे धाई ना छोड़ दो, काटो पकड़ो। हो गया रेस्क्यू। दोस्तों काफी मुश्किल कर दी थी सांप ने, काफी खुदवाना पड़ गया। दोस्तों घर में सांप आ जाए तो काफी मुश्किलें हो जाती है। दोस्तों इसका रेस्क्यू हो गया है, इसे ले जाएंगे हम कहीं दूर रिलीज करने के लिए। दोस्तों इस सांप को ले आया हूँ मैं यहाँ रिलीज करने के लिए। दोस्तों इस सांप का रेस्क्यू धनेरिया से किया है, तो काफी 2 से 3 घंटे लगे सांप को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों सांप है, सांप हमेशा जंगल में ही अच्छे लगते हैं, घर में आ जाए तो काफ़ी मुसीबत हो जाती है। तो दोस्तों इसे पर्यावरण के लिए मैं यही रिलीज करना चाहता हूँ। दोस्तों जहरीले सांपों में एक है ये इंडियन कोबरा स्नेक, जो वेनमस स्नेक।
और आ जाए तो ध्यान रखे, सावधानी रखे इस सांप के प्रति। दोस्तों कभी भी ये सांप काट ले तो तुरंत अस्पताल जाए, तो इसे पर्यावरण के लिए मैं यही रिलीज कर देता हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।